तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक बहुत ही शानदार रेसिपी। आप ही के रिक्वेस्टेड रेसिपी है और टाइगर भी आपको हाय हेलो कह रहा है। और साथ ही साथ अब हम हैंड वॉश कर लेंगे क्योंकि हाथों को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले निकाल रहे हैं। पिछले व्लॉग में हमने बिरयानी रेसिपी शेयर की थी, उसमें आपने कहा था बिरयानी मसाला कैसे बनाना है, तो आज मैं वो वीडियो लेकर आई हूँ। काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी। तो सबसे पहले आपको लेना है जीरा, साबुत जीरा लिया है। फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी दालचीनी, साथ ही हमें डालना है मेस, जिसे हम जावित्री कहते हैं। इसे ज़्यादा नहीं डालना है वरना इसका एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। साथ ही हमें डालना है एक चम्मच काली मिर्च, और हमने यहाँ पर लौंग भी लिए हैं, तो लौंग आपको आधा चम्मच लेना है। साथ ही दोस्तों, आपको बिरयानी को ज़्यादा फ्लेवरफुल, ज़्यादा अरोमेटिक बनाना है तो आपको ना इसमें एक चीज़ डालनी है जो थोड़ी ज़्यादा डालनी होती है। तो यहाँ पर हमने तेज़पत्ता डाला है, साथ ही डालेंगे सौंफ। जी हाँ, सौंफ से हमारे बिरयानी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जो मैंने आपको कहा था ना, इलायची आपको सबसे ज़्यादा डालना है, इससे बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। साथ ही दोस्तों, हमें इसमें डालना है केसर। केसर से कलर और फ्लेवर दोनों बहुत शानदार आता है। और ये है सूखी गुलाब की पत्तियाँ, जिसे हम ड्राई रोज पेटल्स कहते हैं, वो डालेंगे। साथ ही थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च डालेंगे। और अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने बिरयानी में कौन सा इत्र या कौन सा इसेंस डाला है। तो बाज़ार में इस तरीके से बिरयानी का, हैदराबादी बिरयानी के लिए एक इसेंस आता है, वो आप डाल सकते हैं। मैंने जो इत्र लिया था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, जो उस पर कुछ नाम नहीं है तो मैं नहीं बता सकती। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किचन टूर का वीडियो देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताना, हम आपके लिए पूरा होल किचन टूर लेकर आएंगे। और देखिए, यहाँ पर सारे मसाले मैंने डाल दिए, लेकिन एक मसाला बचा हुआ है। जल्दी बताइए कौन सा एक मसाला हमने इसमें नहीं डाला है। जी हाँ, अभी हम वो मसाला डालेंगे, लेकिन उसके पहले आप हमें आंसर बताइए। साथ ही मम्मी जो बना रहे हैं मटन की रेसिपी, मटन का सालन बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सारे रेसिपी वीडियो भी लेकर आएंगे नॉनवेज की, लेकिन आपको कौन सी रेसिपी देखनी है कमेंट में ज़रूर बताना। अब दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे काली इलायची, यही एक मसाला बच गया था और इसे मैं ढूंढ रही थी। और इन सभी मसालों को हमें अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है और फिर ठंडा होने के बाद हमें इसे पीसना है। अच्छे से ठंडा कर लीजिए, फिर इसे पीसिए। पीसने के बाद इसका फाइन पाउडर बनाना है और इस मसाले को आप स्टोर करके एक महीने के लिए भी रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी आपकी बिरयानी बनेगी। हमने यही मसाला चिकन टिक्का बिरयानी में डाला था, जिससे बिरयानी बहुत ज़्यादा लजीज बनी थी। तो ये देखिए दोस्तों, जो मसाला है उसे मैंने एक कंटेनर में डाल दिया है, इसे हम रख देंगे और इसे यूज़ करेंगे। तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइए।